श्रीनगर के एनआईटी कैंपस एचआरडी मंत्रालय की टीम पहुंची और छात्रों से बातचीत की। यह टीम 11 अप्रैल तक वहीं पर रहेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा कि वो मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने छात्रों से भी संयम बरतने के लिए कहा। खबर यह भी है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी आज श्रीनगर एनआईटी जाएंगी और वहां पर छात्रों से बातचीत करेंगी। दरअसल एनआईटी में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद छात्रों में गुस्सा है, तनाव का माहौल भी वहां पर है और कई छात्रों को उस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें भी आई थीं।